धर पकड़ के तो परीक्षा हॉल में जाए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्ण को सबसे ज्यादा जरूरत था, सबसे ज्यादा जरूरत था जिस बाण का, उसी वक्त वो नहीं आया था जब वो अर्जुन के सामने। शराप नहीं दे रहे हैं तो रुपया कहीं नहीं देगा रे, भोरे भोरे नींद खोल के इंसान आता है तो मेहनत कर दोबारा। अब वह बाहर मेरा भी रहना तो पैसा पहले रखे तो रहा, अब पढ़े तो रहे बाद में, लेकिन हम लोग थोड़ा रहम कर देते हैं बगले में तो है सर। वैसे आज तक रुपया हमारा कोई ना रखा है, ठीक है, हम सीधे घर पे पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं, आप तो हम जान के लेते हैं घर पे चलिए। हो गया बनाया कितना आया तो कितना हो जाएगा, 22 × 15 होगा 24 22 का 15 सुगुना कर, 22 ना के 220, 22 पंच 110, 320 ना 330, 220, 110, 330 हुआ जी। कहता है कि अब 330 तो हो गया, लेकिन अब भागल जो है 37 देना था, कितना दिया 22 दिया, यही ना, यही होगा जी। अब बटाम कितना हो जाएगा, जो संख्या वही हो जाएगा, मतलब 333 कते हो जाए 15, 345 बटाम 15 दुना 15 दिया, मतलब एवरेज उसका कितना है अब 23। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? हमको पूरा फेयर कॉपी एवरेज का जितना भी लेक्चर पता है समझा रहे, सब चेक कराएगा। कल तो बंद है, कल बंद रखते हैं, कल सब का बंद रखिए आप। हाँ एकदम पूरे पूरे बैच हमारा बंद, कल कहीं नहीं जाना है, समझ रहे हैं? क्या करना है कल क्या है? कुछ नहीं है, शरीर शरीर है, बॉडी डिमांड कर रहा है रेस्ट, आज ही रेस्ट कर लीजिए ना। नहीं ना रे, इसलिए ना आज बोला है कि दसवां वाला को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नम्मा उम्मा तभी भर साल रहेगा जान खाएगा। कल फिजिक्स है, कल फिजिक्स है, फिजिक्स क्या पढ़ेगा अपने से पढ़ लेना। कहता है रोहिणी अपने 17वीं पारी में, रोहित देखो अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, और 18 के शिफ्ट से हमने लिया है। कहता है रोहित अपने 17वीं पारी में 35 रन बनाता है, ठीक, 17वीं पारी में जाके कितना रन बनाया 35 रन बनाया। कहता है जिसके कारण औसत 3 बढ़ गया, औसत कितना बढ़ गया 3, कहते हैं जब 35 रन जब उस 17वीं पारी में बनेलकै तो ओकर औसत 3 बढ़ गए, कहते हैं 16वीं पारी के बाद का औसत कितना हो गया, ठीक है, तो 17वीं पारी अगर हम खेल रहे हैं, 17वां मैच खेल रहे हैं और उसमें 35 रन मारे हैं, मतलब पिछला 16 मैच खेल के 17वां खेले होंगे, यही ना, पीछे 16 मैच खेले होंगे ना, तब 16 मैच खेले हैं तो ये तो आपको पता नहीं है कि उसमें कितना रन बनाया है उसने, है ना, कि हाँ, तो क्या बताए थे कि जब पता नहीं हो तो एवरेज मान लेते हैं, ठीक है, तो माना कि देखिए कहता है क्वेश्चन है कि रोहित 17वां इनिंग में 35 रन बनाता है, 17वां पारी में कितना, ये क्वेश्चन पूछता है, 35 रन बनाता है तो औसत 3 बढ़ जाता है, तो औसत 3 बढ़ जाता है, औसत कितना बढ़ जाता है 3। कहता है अगर हम पूछ लें कि 16वीं, अच्छा ये पूछ रहा है क्वेश्चन वही लिख लेते हैं, पारी के बाद औसत कितनी, औसत कितनी, ठीक है, सेकंड लास्ट वीडियो है यह, एवरेज का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। कहता है रोहित 17वां पारी में पाया, इसके बाद क्या शुरू करेंगे हम, ट्रेन शुरू करेंगे, ठीक है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड करवा दिए हैं तो अब ट्रेन सीधे शुरू करेंगे, 3-4 क्लास लेंगे ट्रेन खत्म, उसके बाद अरिथमेटिक पे सीधे चलेंगे, परसेंटेज से शुरू करेंगे, ठीक है। तो रोहित 17वां पारी में कितना रन बनाता है 35, तो मानते हैं कि 17वां पारी में 35 बनाया, 16वां पारी तक नहीं पता है कितना बनाया, तो माना कि 16 पारी का एवरेज बराबर है, मान सकते हैं है? तो 16 पारी तक कुल रन कितना हो जाएगा उसका, 16x हो जाएगा, एक इनिंग में x मारता है तो 16 इनिंग में कितना मारा होगा 16x। तो कहता है कि अब क्वेश्चन से
कहता है कि 16 इनिंग में 16 एक्स मारा, 17वां इनिंग में बेचारा 35 रन मारा, तो अब बट्टा में तो 15 हो गया क्योंकि ये टोटल है, अब बट्टा में 17 यही एवरेज होता है, बराबर एवरेज कितना था एक्स से 3 बढ़ गया, कोई दिक्कत होगा जी, समझ में आया ये जी कि नहीं आया? आया ना, ऐसा क्वेश्चन करवा भी चुके हैं, उस दिन भी बोले थे ना कि बल्लेबाज और वाला में इसका यूज होगा, क्योंकि हल कर देंगे कितना आ जाएगा 16x जोड़ 35 बराबर 17x प्लस 51 यही होगा, यही ना, तो 17 से 51 तो इधर गया इधर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है तो लिखना है, क्वेश्चन ही गलत हो गया, जिसके कारण औसत एवरेज दो बढ़ा देते हैं इसमें कितना जमा भी नहीं है, दो बढ़ाएंगे तो 17 कितना हो जाएगा, यह तो 17 है एक्स रहेगा ना, तो सेटअप दो कर लो औसत कर लेते हैं दो बढ़ा, ऐसा ही है ना 16x मार लग गया 35 में 17वीं में मारा है तो अभी नहीं कितना खेल लिया 17, तो औसत पहले था x, अब कितना हो गया दो बढ़ गया तो एक्स प्लस, तो देखो अब यहाँ से दो ही कर लीजिए कितना हो जाएगा 34 कहता है x बराबर कितना आ जाएगा, एक यही ना आएगा, एक x बराबर कितना आ जाएगा एक, क्योंकि इधर से ही गया इधर से एक x बराबर एक, तो 16 इनिंग का कितना रन बना 16 रन बनाया, 17वां पारी में कितना मार देगा 35 हुआ, 16 और 35 कितना हो जाएगा 41, अब बट्टा में मैच कितना खेला 17, 41 बट्टा 17 हो सकता, समझ में आया, समझ में आया ना कंसेप्ट पकड़ो, क्वेश्चन पता नहीं बिंदु उन्दू में लिखे होंगे कुछ, ठीक है समझ में आया कि नहीं आया, तुमको नहीं आया कोई बात नहीं, 16 पारी तक मान लेते हैं कि एक्शन बनाया, तो 17वां इनिंग में 16 पारी में एक्स एक्स बनाया तो 16 पारी तक 16x बना दिया सर, 17वां में 35 रन बनाया तो टोटल रन उसका कितना हो गया 16x प्लस 35, अब इनिंग कितना है 17, तो पहले तो एवरेज था एक्स कहता अब दो बढ़ गया तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है चल कर समझ में आया कि नहीं आया, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन के साथ हम क्लास को ख़त्म करेंगे, और एवरेज का पूरा हमको जितना भी हम लेक्चर बनाए हैं सबका कॉपी एकदम सजा धजा चाहिए, ठीक है अगली बार जब सैटरडे को आओगे तो लेकर आओगे, ठीक है कहता है, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि जिक्र इसका हम कैसे करें, कहता है किसी एग्जाम में 120 छात्र का औसत कहता है ये बनाना ना चाहिए, बहुत आसान है, किसी एग्जाम में इसका दूसरा तरीका है लेकिन अभी नहीं, अभी बस इसी से काम चल रहा है, 120 छात्र का औसत जो है वो 35 है, कितना है 35 है, ठीक है कहता है यदि उत्तीर्ण होने वाले का औसत 39 है, यदि उत्तीर्ण होने वाले का एवरेज 39 है, एवरेज कितना है 39 है, तथा अनुत्तीर्ण का पंद्रह हाँ औसत कितना है 15, ठीक तो आपसे पूछ रहा है तो उत्तीर्ण का मतलब पास होता है, उत्तीर्ण का क्या मतलब होता है, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, ठीक है तो पास की संख्या होता है, ठीक है देखिए अब क्वेश्चन बनाना मैटर नहीं करे, आप सोचिए अगर पास की संख्या अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
पास की संख्या तो पास का टोटल नंबर, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है ना ए बराबर टी बाय एन होता है। सोचो क्वेश्चन को, ए बराबर टी बाय एन होता है, हमको एन चाहिए तो एन बराबर टी बाय ए हो जाएगा, यही होगा मतलब टोटल बटा औसत, यही होगा। तो टोटल मुझको पहले चाहिए, ठीक है। तो टोटल कैसे निकालते हैं, तो बताइए 120 छात्र का एवरेज कितना है, 135 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 120 अगुना 35 होगा, कितना हो जाएगा, 35 को 70, 420 हो जाएगा, यानी अगर 42 हो जाएगा, होगा गुना कर देगा, तो टोटल 42 है। इसका क्या मतलब कि लड़का पास वाला जो नंबर आने होता है इससे, जो फेल वाला जो नंबर आने होता है इससे, दोनों को मिला कर 42, हाँ कि ना होगा, पास जो लाया होगा नंबर वो और फेलहा जो लाया होगा वो, दोनों को जोड़ देंगे तो 42 आना चाहिए। तो पास पसहा जो है उत्तीर्ण, अब उसका तो हमको पता नहीं है कि क्या वो है, संख्या नहीं पता है, संख्या पता रहता तो झट से गुना करते निकाल लेते, संख्या नहीं पता है। तो माना कि पास बराबर है, ये बेसिक है और यही ये नंबर दिलाएगा, माना कि पास में, इसका दूसरा उपाय है मेरे पास लेकिन अभी नहीं, पास बराबर एक्स। तो फेल बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 120 बच्चा है, पास अगर एक्स है तो फेल कितना है, 120 माइनस एक्स, वाह कोई दिक्कत। तो बताओ मुझे एक बात, बताओ मुझे एक बात, क्या तो पास कितना नंबर लाएगा, पास एक्स है, पास वाला एक्स है और उसका एवरेज कितना है, 39, एक्स गुना 39 ले आएगा, होगा। अब खेल वाला अब 120 माइनस एक्स है और उसका औसत कितना है, 15, 15 लाएगा और यही टोटल नंबर है, बोलिए होगा कि नहीं होगा, तो सॉल्व कर लें, तो कितना आ जाएगा, 39 है एक्स जो 120 का 1500 गुना कर दे, 1800 हो जाएगा, होगा माइनस 15 एक्स बराबर 42, कहीं होगा 39 में से 15 चला गया 24 एक्स बराबर इधर से 42 में से 18 जाएगा 2400, एक्स बराबर कितना आ गया 2400, अब बता में 24 होगा मतलब 100, इसलिए फेल कितना हो जाएगा, 120 माइनस 100 बराबर 20 होगा, पास कितना हुआ 100, फेल कितना हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ हाँ एलिगेशन से भी बनेगा, कहे नहीं बनेगा, दौड़ के बनेगा, लेकिन अभी पढ़ाया नहीं नहीं लोगों को, तो इन लोगों को कैसे पता, समझ में आया कि नहीं आया, एलिगेशन से तुरंत खर्च हो जाएगा, सेकंड लगेगा उसमें, लेकिन ठहर के आराम आराम से काम होता है, समझ में आया ना, ये तरीका से बन जाएगा। एक क्वेश्चन है हम लिख दे रहे हैं और उसका आंसर आपको बताना, कहता है कि किसी एग्जाम में पास छात्र का एवरेज 135 है, फेल का इतना है, कहता है पास छात्र का औसत जो है 135 है, फेलहा का औसत 40 है, यदि पूरी कक्षा का औसत, ये कमाल का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बनाओ, तुम बनाएगा, ठीक है, रडार से बाहर जा रहा है, देखिए क्वेश्चन यही है कि पास छात्र का औसत जो है, पास का एवरेज जो है, एवरेज ठीक है वो 135 है, कितना है, अब फेल जो है उसका औसत जो है, फेल का एवरेज जो है वो 40 है, 90 है कि 40 है, 90 है, ठीक है। अब पूरी कक्षा का एवरेज आपको बना कर लाना है, हम बताएंगे नहीं, पूरी कक्षा का एवरेज जो है वो 110 है, तो पास और फेल का अनुपात, ठीक है, पास जो किया बच्चा और फेल किया उसका अनुपात निकालना, बना कर, ठीक है, फेल लगा हिंट हम करते रहे कि पास को एक्स मान लीजिए, फेल को वाई मान लीजिए,
तो 135x जोड़ 90xy होगा और बराबर 110 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, वहाँ से बटा वाई आ जाएगा, ठीक है, बना के लाना।